लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। और चलिए आगे बढ़ेंगे। नेहरू से निष्कासन के बाद अब अजय चौटाला समेत उनके दोनों ही बेटों ने प्रतिक्रिया दी है और अजय चौटाला सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार उन पर किस चार्ज के तहत कार्रवाई हुई है। दिग्विजय दुष्यंत भी इसे षड्यंत्र बता रहे हैं और ओपी चौटाला के सिग्नेचर को ही फेक मान रहे हैं। इनेलो का घमासान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दुष्यंत दिग्विजय के बाद अब उनके पिता अजय चौटाला को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी चौटाला की एक चिट्ठी दिखाई जिसमें अजय चौटाला के निष्कासन का जिक्र है। वहीं जब इस बारे में अजय चौटाला से बातचीत की गई तो उन्होंने फैसले को गलत बताते हुए पूछा कि उन पर किस चार्ज के तहत कार्रवाई हुई है। ये तो बताएं कि मेरे पे चार्ज क्या है, क्यों किया गया, ये तो वही बताएंगे। जिन्होंने ये फैसला लिया है वो लोग बताएंगे मेरे पे खिलाफ क्या चार्ज है। आप जीन की बात करें, जीन की बात करें, लेकिन अशोक अरोड़ा ने साफ कह दिया है कि वही चयन करेंगे कि किस किस को वहाँ पे कर लेंगे तो फैसला। जीन में प्रोग्राम होगा क्या इनेलो? निश्चित तो किस नाम से होगा इनेलो से आप डिस्कस? नाम अभी वही है और उसी से नाम से होगा, वही लोग बैठ करके निर्णय। वहीं पिता की पार्टी से निष्कासन के बाद दिग्विजय चौटाला ने प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी में हम हैं, हम थे और हम रहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि हम पार्टी से निकालने वाले लोग नहीं है किसी को, हम पार्टी के साथ जोड़ने वाले लोग हैं। आज राजनीति जरूरी बात जो समझने की है, आज प्रयास ये हुए मुझ पर भी, दुष्यंत पर भी, डराकर धमकाकर जो कुछ लोगों के नेचर हैं कि इनको दबा लिया जाए। बट हम 21वीं सदी के नौजवान हैं और जिस पीढ़ी के साथ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो पीढ़ी भी इस तरह के स्वभाव को पसंद नहीं करती। जब इनेलो से अजय के निष्कासन की खबर उठी तो इनेलो प्रवक्ता केसी बांगड़ ने भी इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। वहीं अजय चौटाला के निष्कासन पर दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया दी, कहा चौटाला साहब के नाम की एड भी कुछ अपना फायदा देख रहे हैं। उन्होंने इस फैसले को इनेलो के इतिहास पर काला धब्बा बताया। कहीं ना कहीं एक चीज स्पष्ट होगी कि चौटाला साहब के नाम की आड़ लेकर कुछ लोग अपना फायदा देखने का काम कर रहे हैं। जहाँ डॉक्टर चौटाला के निष्कासन की बात आई उसके ऊपर ना तो प्रदेश अध्यक्ष अपना पक्ष स्पष्ट करना ना वो पत्र स्पष्ट करना। और मैं विश्वास रखता हूँ कि चौटाला साहब ऐसा निर्णय अपने जीवन काल में कभी नहीं लेंगे। अगर ऐसा निर्णय लिया गया तो अपने आप में लोकदल के इतिहास में काला। अभय चौटाला ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। अब इंतजार 17 नवंबर का है जब अजय चौटाला अपने पत्ते साफ करेंगे और ये पता चल पाएगा कि इनेलो किसकी पार्टी होगी या हरियाणा में किसी एक नई पार्टी का ही उदय होगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर, सिरसा से विजय कुमार और पंचकुला से उमंग शरण की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।